नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड, क्योंकि सऊदी अरबिया अभी ये मान लीजिए टॉप हॉट पे कंट्री हॉट कंट्रीज़ हैं, सऊदी कुवैत यही हैं, बाकी तो लगभग कंट्रीज़ में तो फ्लाइटें आपको पता चल रही हैं, तो इतना कोई बूम नहीं उठ रहा है। सऊदी और कुवैत का बूम उठ रहा है फ्लाइट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, वीज़ा एक्सपायर हो गया, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं फ़्लाइट से रिलेटेड, अखामा से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, क्या माजरा है, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें साथियों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि आपको गल्फ कंट्रीज़ सऊदी से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो शुरुआत हम पहले कर लेते हैं सऊदी अरबिया में कोरोना अपडेट की, क्या हालात हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना है भैया। कोरोना डाउन होगा तो आप अप होंगे, अगर कोरोना अप होगा तो आप डाउन हो जाओगे, ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसी पे सब कुछ टिका है। तो सऊदी अरबिया में अभी कोरोना ठीक है भैया, डाउन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। अभी तक बता दूं 330,246 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। उनमें से अगर डेथ की बात करें 4,512 लोगों की अभी तक डेथ हुई है कोरोना की वजह से। इसमें से रिकवरी रेट भैया बहुत अच्छा है, मैं तो बताऊं बहुत भयंकर तरीके से अच्छा है, 312,000 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हां साथियों, 312,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, तो और मात्र 21,000 का आंकड़ा अभी तक निकल के आ रहा है। जी हाँ साथियों, यानी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 99% रिकवरी हो चुकी है, 1% बचा, यानी एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 18,000 केस एक्टिव केस हैं। पूरी सऊदी अरबिया इतनी बड़ी कंट्री है गल्फ कंट्रीज में, सिर्फ 18,500 केस पॉजिटिव हैं, बाकी सब रिकवर कर लिए गए। इसी को देखते हुए सऊदी अरबिया ने फ्लाइट से रिलेटेड कुछ से, मतलब एक तरह से रिलीफ आपको मिलने जा रही है। हालांकि पाकिस्तान से रिलेटेड तो आपको पता है भैया, पाकिस्तान को तो फुल छूट दे दी है, वो तो लोग आ जा रहे हैं। इंडिया के लिए है, अभी आपको पता है पहले थोड़ी सी सूचना आई थी कि भाई सितंबर में कुछ फ्लाइटें जा रही हैं, चार्टर फ्लाइटें जा रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बता दूँ 23 सितंबर और 24 सितंबर की भी फ्लाइट दिल्ली से बता रहे थे, लोगों ने पैसे भी दिए थे, हमारे कुछ बंदों ने भी पैसे दिए थे, लेकिन आज की न्यूज ये आई उसमें कि वो फ्लाइट कैंसिल है, वो फ्लाइट नहीं जाएगी। अब नहीं जाने के पीछे रीजन ये है कि वो चार्टर फ्लाइट थी, वैसे वंदे भारत मिशन में तो फ्लाइट थी नहीं, चार्टर फ्लाइट में वो फ्लाइट थी, तो अब उसका कोई शेड्यूल नहीं बना। यात्री तो भैया बहुत हैं, जाने वालों की तो कोई कमी नहीं है, उनको उन्होंने रीजन ये बताया कि वहां की जो दमाम रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इजाजत नहीं दी। जी हां साथियों, दिल्ली से जो 23 या 24 को फ्लाइट जाने वाली थी उसको सऊदी सरकार ने, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, उन्होंने इजाज़त नहीं दी प्लेन लैंड करने के लिए, इसलिए वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। हालांकि पैसे एजेंट, जो एजेंट थे टिकट बनाने वाले, वो उन्होंने ले लिए थे, लेकिन पैसा सुरक्षित है, पैसा तो कहाँ जाना है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम में 1 अक्टूबर के बाद फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती है, ऐसा हालांकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि आगे आने वाले महीने में फ्लाइट स्टार्ट हो सकती है अक्टूबर के। अब फ्लाइटों की बात हो गई, बाकी बहुत सारे अब प्रॉब्लम ही आएगी कि इस सितंबर महीने में लगभग लोगों के अखामा एक्सपायर हो जाएंगे। अब लोगों की टेंशन है कि यार अखामा हमारे एक्सपायर हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन भाई टेंशन लेने की क्या जरूरत है यार, पहले भी तीन बार आपके अखामा ऑटोमेटिक रिन्यू हुए हैं, आपको सबको पता है, और बहुत लाखों की संख्या में लोग इंडिया आए हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इंडिया जो आ गए उनको कंपनी नहीं बुलाएगी, सरकार आपका वीजा कैंसिल कर देगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तीन बार आपके वीजा आपको पता है ऑटोमेटिक बढ़े हैं, तो उम्मीद यही है नेक्स्ट मंथ में आपका, जैसे 28 अक्टूबर को काफ़ी सारे लोगों के इस महीने सितंबर में वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, मेरे भी 2-4 जानने वाले हैं उनके अखामा एक्सपायर हो जाएंगे, 28 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे, वो सोच रहे थे भी 23-24 तारीख की फ़्लाइट है उसमें हम चले जाएंगे, तो वो अखामा वापस आपको पता है बढ़ जाता है, लेकिन वो फ़्लाइट दिल्ली वाली कैंसिल हो गई तो जाएँ तो कहाँ जाए, तो इसका कोई अल्टरनेट निकला नहीं है फ्लाइट वाला। तो बता दूं अखामा ही बढ़ना चांस है, अक्टूबर मंथ में सरकार कुछ नई अपडेट डालेगी तो उसमें 100% अखामा तो बढ़ जाएगा भाई, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्लाइटें भी चालू हो जाएगी अक्टूबर के, तो वैसे भी घोषणा की है सरकार ने कि भाई अक्टूबर में फ्लाइटें चालू होंगी 1 अक्टूबर से, देखो क्या अपडेट सरकार की तरफ से आता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने भैया आपने ये एक्चुअली मैं बताऊँगा फ्लाइट कैंसिल क्यों, ये ही थी चार्टर फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट जैसे दिल्ली, जैसे दुबई से कल और कंट्रियों से आ रही थी ना इंडिया में, वैसे इधर से भी चार्टर फ्लाइट जाने वाली थी। ये चार्टर फ्लाइट का एक सिस्टम है कि ऑनलाइन शो नहीं करती है, आप ऑनलाइन चेक करोगे तो शेड्यूल ही नहीं दिखाएगा, वंदे भारत मिशन में दिखा रहा है लेकिन उसमें फ्लाइट आपकी बुक नहीं होती, ये चार्टर फ्लाइट पर्सनल होती हैं। जैसे मैंने मान लो मैंने सिस्टम बना लिया कि भी हमें एक फ्लाइट लेके दुबई से या दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, सऊदी दमाम जाना है, रियाद जाना है,
फिर वो फाइनल हो जाता है भाई फलाने दिन की टिकट है, अफवाह फैल जाती है, अचानक से पता लगता है कि जैसे हमारे राजस्थान में गहलोत सरकार ने पहले बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे, सर ओमान से कतर से परमिशन नहीं मिल रही है फ्लाइट उतरने की कोरोना की वजह से, तो सेम उन्होंने भी वहीं वैसा मना कर दिया 23 सितंबर वाली फ़्लाइट को कि भाई हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर दिल्ली से फ़्लाइट कैसे जाएगी। बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए थे, हालांकि पैसे सुरक्षित हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप भी अगर किसी एजेंट को, किसी जानने वाले को भाई पैसा देते हो तो खास निजी हो, उसी को पैसा दे, ताकि अगर काम नहीं हो तो पैसा रिफंड हो जाए। और बता दूँ चार्टर फ्लाइट में बहुत सारे लोगों की एक जैसी पैसा नहीं लगाया, लगभग 30,000 से लेकर 40-45 हज़ार तक लोगों ने पैसे दे रखे हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइट नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं, बस ये जानकारी आपको देनी थी। अक्टूबर में उम्मीद है कि आपका कुछ अच्छा होगा, आपके अखामे जो एक्सपायर हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, फ्लाइटें भी रेगुलर हो सकता है, लिमिट मात्रा में स्टार्ट हो जाएं, उनमें उन लोगों को बुलाया जाए जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं या जिनके पास वैलिड वीज़ा हैं, उन लोगों को बुलाया जाए। बस ये जानकारी देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।